अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कमरान खान और आप देख रहे हैं शो न्यूज़। आपको बताते चलें कि आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि साबिक वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के, उनका ये कहना है कि हम पाकिस्तान को 5.8% ग्रोथ रेट पर छोड़ के गए थे, जिसकी जो है आज हुकूमत जो है मनफी ग्रोथ रेट ले जा चुकी है पाकिस्तान को। बिना शुबा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे सियासी मुखालफीन हों, चाहे उनकी अपनी जमात के लोग हों, चाहे आम पाकिस्तानी हो। सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो तमाम पाकिस्तानियों को दरपेश है वो यही है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है कमाई के मौके नहीं हैं। इस हवाले से बहुत से लोगों का बहुत कुछ कहना है कि मईशत में इस वक्त सुस्त रवि है, और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि मईशत इस वक्त बहुत ज़बरदस्त उड़ान भर चुकी है, कि कोरोना वायरस के बाद भी आज पाकिस्तान में बिजनेस हो रहा है और ये इमरान खान की क़यादत की वजह से हो रहा है। यहाँ पर यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त आम आदमी जो है उसके हालात बिल्कुल दुरुस्त नहीं हैं। अद्वियात में 262% जो है कीमतों में इजाफा हो चुका है, जबकि पेट्रोल की कीमतों में सिर्फ 2 रुपये की कमी की बात चल रही है। ये तमाम तर बातें जो हैं एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन में पाकिस्तान को ले जाती हैं, जहाँ पे हमारी स्टॉक मार्केट से लेकर म्यूचुअल फंड से लेकर बैंक्स की कारकर्दगी से लेकर आम आदमी की कमाई तक जो है सब चीज़ें मुतासर हो चुकी हैं। अब देखना यह है कि अपोजिशन की ये जो तहरीक है इससे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान क्या तहरीक लेते हैं और आवाम की ज़िंदगी में क्या बेहतरी।